एक तरह से आरोप है आपके ऊपर, सवाल नहीं है ये। गौतम खट्टर जी हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, उसका नेगेटिव प्रसार प्रचार करते हैं। अब आप बताइए कि ये सनातन धर्म का प्रचार है या कुप्रचार? ये प्रचार है, लेकिन आप, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो फिर जब आप गाली देने लगे, अपशब्द यूज करने लगे, तो आपने एक बार उन्हें टोका नहीं, तो आपने उसमें कोई कट मारे ना, आपने उसमें कोई बीप लगाई। गौतम खट्टर जी यूट्यूब से कितना पैसा बना लेते हैं, कितना कमा लेते? 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख। अभी मैं खुद को एक यूट्यूबर नहीं मानता, वो बात अलग है कि इतने सब्सक्राइबर्स वगैरह हो गए हैं। गौतम खट्टर जी क्लिक बेट बहुत ज्यादा करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जो दिखेगा वही बिकेगा। आप जनता को गुमराह करेंगे अपनी मार्केटिंग करने के लिए। देखो ये आप आरोप गलत लगा रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स के मैं यहाँ पे नाम लूंगा, आपको उनमें से फेवरेट बताना है। ये सब मेरे दोस्त हैं, अब आप मेरी लड़ाई करवाओ नहीं, आप मुझसे नहीं करवाना चाह रहे हैं। इंटरव्यू लेने से लेके आज इंटरव्यू आप दे रहे हो, ज्यादा आसान यहाँ बैठना होता है यहाँ? मैं दोनों तरफ का हूँ। 2000 सब्सक्राइबर्स थे, 2.5 लाख पे पहुंचा 3-4 महीने के अंतराल। जबरदस्त ग्रोथ क्यों हुई आपको क्या लगता है? ऐसा आपने और उसे क्या अलग किया? आपको यूट्यूबर जॉब में से कुछ एक चुनना होगा, तो आप क्या चूज करोगे? यूट्यूब मुझे दीजिए अपने उसमें काम। आपका स्वागत है, आप अभी ज्वाइन कर लीजिए हमें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे प्राइम इंडिया। दोस्तों प्राइम इंडिया में आज हमारे साथ गौतम खट्टर जी होंगे, और गौतम खट्टर जी के यूट्यूब पर 2.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है और 50 लाख से ज़्यादा लोग आज तक इन्हें देख चुके हैं। गौतम खट्टर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम इंडिया पे। और सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके 2.5 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए, आपको वेरिफिकेशन बैच मिल चुका है यूट्यूब की तरफ से, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। और गौतम जी सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जब गौतम खट्टर से यूट्यूबर गौतम खट्टर तक का जो सफ़र रहा, ये कैसा रहा, कितने डिफिकल्टीज आई, क्या क्या आपने फेस, ये गौतम खट्टर से यूट्यूबर गौतम खट्टर तक बनने की जो जर्नी है, इस बारे में थोड़ा बताइए हमें। देखिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस प्लेटफॉर्म में इनवाइट करने के लिए। और आपने क्योंकि बात कही जर्नी की कि कितना पेशेंस रखना पड़ा और कैसे ये यात्रा शुरू हुई गौतम खट्टर से यूट्यूबर गौतम खट्टर की, तो इसका सवाल क्योंकि मैं इतना ही जानता हूँ कि अभी मैं खुद को एक यूट्यूबर नहीं मानता, वो बात अलग है कि इतने सब्सक्राइबर्स वगैरह हो गए हैं, लेकिन हाँ अभी वो एक अंदर से जो वो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हाँ अब एक यूट्यूबर हैं या ये। और क्योंकि ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि यूट्यूब में जाना है या यूट्यूबर बनना है, तो अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कभी होगा तो फिर कहेंगे। अच्छा मैं देख रहा था कि अभी पिछले 4-5 महीने में जब से कुंभ हुआ था हरिद्वार में, उसके बाद से आपके एकदम से सब्सक्राइबर एकदम से बढ़े, मतलब तकरीबन 2.5 लाख जो आपके सब्सक्राइबर है उसमें से अगर 1-2 हज़ार घटा देंगे तो वो बाकी सारे जो सब्सक्राइबर है आपके, वो आपने कुंभ से लेकर आपका यानी कि 3-4 महीने के अंतराल में आपको मिले हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो कंटेंट आपका था वो बहुत सारे लोग और भी कर रहे थे सेम टाइम कुंभ के टाइम पे, लेकिन आपकी इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ क्यों हुई, आपको क्या लगता है ऐसा आपने और उसे क्या अलग किया? अब अलग की बात करेंगे तो ये तो थोड़ा मतलब थोड़ा सा अपने मुँह से अपनी बड़ाई वाली बात नहीं, बिल्कुल बोली कि मैंने क्या अलग किया। अब ये तो जो व्यूअर्स हैं या जो देखने वाले हैं वो इस बात को डिसाइड कर सकते हैं ऐसा मैंने क्या अलग किया, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता कि ऐसा मैंने क्या अलग किया। लेकिन हाँ जो मेरा पहले आपने क्योंकि कहा कि ये 3-4 महीने से पहले 2000 सब्सक्राइबर्स थे, उसके बाद ये 2.5 लाख पे पहुंचा 3-4 महीने के अंतराल पे, ये ज़रूर अंतर है कि उस दौरान तक मैं इंडोर था और उसके बाद मैंने आउटडोर किया जी। तो ये इंडोर और आउटडोर का अंतर था ये जो 2000 से 2.5 लाख हो गया जी। बस इतना अंतर मैं समझ रहा हूँ और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि मैंने क्या विशेष किया और क्या नहीं किया, क्योंकि ये तो लोग देखने वाले ही बता सकते हैं। चलिए बढ़िया गौतम जी, अमूमन देखा जाता है कि जो आपकी एज ग्रुप से जो लोग होते हैं खासकर यंगस्टर जो आपकी एज में है, तो वो म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, गेमिंग वगैरह बनाते हैं, कॉमेडी बनाने लग जाते हैं, बहुत सारे ब्लॉगिंग करने लग जाते हैं। पर आपका जब मैं कंटेंट एनालाइज कर रहा था तो बिल्कुल एकदम डिफरेंट कंटेंट था, बिल्कुल एकदम से आप जैसा 23-24 साल का युवा मंदिर में जाके मंदिर को रिव्यू कर रहा है, जो सन्यासी है जो बाबा है उनका इंटरव्यू कर रहा है, तो ये एकदम से यूनिक कंटेंट मुझे लगा, तो वो भी खासकर इस एज ग्रुप से, तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कंटेंट आपके दिमाग में कहाँ से आई, ये एक्सीडेंटली हुआ या आपकी प्लानिंग थी, इस बारे में थोड़ा मुझे बताइए कुछ। देखिए सवाल थोड़ा सा कठिन है लेकिन इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। आपने कहा कि मंदिर वगैरह का, मंदिर की मेरी एक आधी वीडियो है, ज़्यादा जो मेरा मेन फोकस रहा है वो बाबा साधु सन्यासियों पे रहा है। और ये कैसे शुरू हुआ क्योंकि ये कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम ऐसा करेंगे,
इसके पीछे की एक लंबी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में मैं बता दूं कि जब कुंभ शुरुआत होने जा रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ किया जाए। तो मैं जहाँ कॉलेज में पढ़ा, ग्रेजुएशन करी, वहाँ पे मेरे एक जूनियर मतलब मेरा भाई एक तरीके से सुमित है, उससे मैंने कहा कि एक दिन हम लोग बैठते हैं और बैठ करके कुछ करने की सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। वो भी यूट्यूब चला रहा था उस दौरान, तो वो व्लॉगिंग टाइप करता था, व्लॉगिंग मेरे को आती नहीं है, अभी भी नहीं आती। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा कि एक कुछ ऐसी प्लानिंग वगैरह करते हैं। तो घाट का अब क्योंकि गंगा हरिद्वार है, तो हरिद्वार में कहीं बैठना मतलब कहीं भी बैठोगे किनारे पे गंगा ही बह रही होगी, तो हम गंगा घाट के किनारे बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि कैसे कर सकते। तो ऐसे ऐसे सोचते सोचते मैंने एक आइडिया रखा, उसने एक आइडिया रखा, हम लोगों की उस पर डिस्कशन हुआ। फिर उसने कहा कि भैया ऐसा हो सकता है, मैंने कहा नहीं ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, आइडियाज़ पे आइडियाज़। चर्चा खत्म, एक घंटे के बाद समाप्त। दो दिन बाद फिर तो उस चर्चा में ये बाबाओं का इंटरव्यू नहीं था, नहीं था? नहीं, चर्चा में था कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं क्या। बिल्कुल। उस समय तक लोग कुंभ को कवर तो कर रहे थे, मतलब कवर करने का मतलब कि कुंभ की क्या गाइडलाइंस हो सकती है, कैसे आना है, कैसे नहीं आना है, मतलब, लेकिन इस तरीके का कोई नहीं कर रहा था दोबारा। तो फिर हमारी मुलाकात हुई, हम चलते चलते घाट के किनारे जा रहे थे, सामने से एक नागा साधु आ रहे थे। तो मैंने सुमित से कहा कि इनका क्या हम इंटरव्यू कर सकते हैं। सुमित ने कहा हाँ बात करके देखो। तो बाबा जी त्रिशूल ले रहे थे, पतला सा शरीर था, पूरे शरीर पे भस्मी लगा रखी थी। तो मैंने उनसे आग्रह किया, वो बैठ गए गंगा जी के किनारे और हम रिकॉर्ड करने लगे। रिकॉर्ड करने जब लगे, जब वो कंटेंट डाला तो एक दिन में 2 लाख 3 लाख 4 लाख बहुत कम थे। महज 2.5-3 हज़ार सब्सक्राइबर, और चैनल भी मोनेटाइज नहीं था। उस पर भी डिस्कशन हो रहा था कि सुमित कैसे चैनल मोनेटाइज होगा, इसको भी थोड़ा सा फोकस करना है। तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख एक हफ्ते में 1 मिलियन चलेगी वीडियो में, एक हफ्ते में 1 मिलियन क्रॉस। इतना उस समय तक कुंभ का किसी का भी वायरल नहीं हुआ था, और हम लोगों को दोनों को समझ में आ गया यही करना, अब हम इसी थीम पे, क्योंकि साधु एक ऐसा एलिमेंट है जिसको 125-135 करोड़ का जो भारत है उसमें 1 करोड़ लोग भी साधुओं के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते, उनको सौभाग्य नहीं मिलता है। लोग जानना चाहते हैं कि साधुओं का लाइफ स्टाइल क्या है, वो कैसे जीते हैं, और कुंभ एक ऐसा एलिमेंट है जो 12 साल में एक बार होता है, सारे साधु आते हैं एक जगह एकत्रित होते हैं, बस वही हमने। ठीक है गौतम खट्टर जी, आपका जो मेन कंटेंट है वही इंटरव्यू का है, आपने सबसे पहले दीपक रावत, आईएएस दीपक रावत इंटरव्यू किया था, उसके बाद आप लगातार इंटरव्यू कर रहे हो। नहीं, उनसे पहले भी मैंने एक लेफ्टिनेंट 21 साल के बने उनका इंटरव्यू किया था, और एक रिधिमा पांडे नाम की बच्ची थी जो विश्व की 100 सर्वश्रेष्ठ प्रभावशाली महिलाओं में से एक थी, भारत की उसमें 4 थी, वो उन 4 में से एक थी। तो ऐसे मैं पहले भी करता था, लेकिन इत्तेफाक है कि कभी एक ही समय आता है जब वो चलता है। यही पूछ रहा था कि जब आप इंटरव्यू करते हो आप, तो इंटरव्यू लेने से लेके आज इंटरव्यू आप दे रहे हो, तो इस फीलिंग के बारे में बताइए। ज्यादा आसान यहाँ बैठना होता है यहाँ बैठना होता है, ये बताइए आप मुझे, ज्यादा कठिन कहाँ होता है? कठिन और आसान का सवाल नहीं है। देखिए दीपक जी, सवाल ये है कि हम कंफर्ट कितना है, तो आप किधर कंफर्ट हो, इधर या इधर? मैं दोनों तरफ कंफर्ट। नहीं, ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा मजा कहाँ आता है, सीरियसली बताइए, क्योंकि आपने इंटरव्यू आप ले भी चुके हो कई सारे, आप दे भी चुके होंगे, आप देने में ज्यादा इंटरेस्ट आता, देने में ज्यादा मजा आता, ज्यादा मजा देने में। ठीक है, अच्छा गौतम खट्टर जी, हमारी बातें चलती रहेंगी। आपके कुछ व्यूअर्स हैं जो आपकी वीडियो रेगुलर देखते हैं, उन्होंने आपसे कुछ सवाल पूछे आपकी वीडियो के कमेंट में, चले मैं आपसे वो सवाल पूछ लेता हूँ कुछ। ये वो सवाल है जो बार बार आपसे अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से पूछा गया, कॉमन क्वेश्चन है, अलग लोगों द्वारा पूछे गए हैं कुछ सवाल, आप उनका जवाब दीजिएगा। ये सवाल एक तरह से आरोप है आपके ऊपर, सवाल नहीं है ये, ये आपके व्यूअर्स ने आप पे आरोप लगाया है कि गौतम खट्टर जी हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, उसका नेगेटिव प्रसार प्रचार करते हैं, सनातन धर्म को गौतम खट्टर जी बदनाम कर रहे हैं, और ये कई बार आपसे अलग अलग भाषा में पूछा गया, आपने पढ़े भी होंगे जी। तो इसमें क्या कहेंगे आप, क्या पहले आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये लोग सही कह रहे हैं? अब मैं उस सवाल पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हाँ मैं ये सही है या गलत है इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता, इसका निर्णय वो लोग करेंगे जो मेरी सारी वीडियोस देखते हैं। चलो मैं आपको इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। इसका जवाब यही है कि आप मेरी वीडियोज़ जब देखेंगे, तो फिलहाल का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, क्रिस्टीना नाम की एक छोटी सी बच्ची जो रशिया से आई, 1.5 साल में उसने संस्कृत सीखी, हिंदी सीखी, हनुमान चालीसा सीखी, मंत्र सीखे, श्लोक सीखे, भजन सीखे। मैं उस बच्ची को
अपने YouTube चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड लेके आया। अब आप बताइए कि ये सनातन धर्म का प्रचार है या कुप्रचार? ये प्रचार है, लेकिन आप, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ। आप फिर बताइए कि ये लोग सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। आपके कंटेंट जब मैं देख रहा था, आपकी एक वीडियो मैंने देखी, आप मुझे बीच में टोकिएगा नहीं, पहले आपने एक बाबा का इंटरव्यू लिया, ठीक है, वो बाबा गालियाँ दे रहा था, बड़ी गंदी गालियाँ, लेकिन वो गालियाँ दे नहीं रहा था, आपने बातों को ऐसे तोड़ मरोड़ के सवाल पूछे, मतलब आपने बातों को ऐसे घुमा के पूछा कि वो उन शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो गया। कौन सी वीडियो थी? वो थी एक अघोरी बाबा की थी, ठीक है। आपने बाबा को, फिर जब बाबा गाली देने लगे, अब शब्द यूज करने लगे, तो आपने एक बार उन्हें टोका नहीं, एक बार आपने उन्हें टोका नहीं कि बाबा जी आप, आपको ऐसी शब्द आपकी मर्यादा के खिलाफ है, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें, आप मुझे बात पूरी सुनिए पहले। और आपने एक बार उन्हें रोका नहीं, और जब वो, जब आपने शूट कर लिया तो एडिट आपने खुद ही की होगी वीडियो, तो आपने ना उसमें कोई कट मारे, ना आपने उसमें कोई बीप लगाई, तो आप बताइए, एक सनातन, एक सन्यासी गालियां दे रहा है और आप उन पे, आप ना उन्हें रोक रहे हो, ना उसमें कोई बीप लगा रहे हो, तो ये क्या है? तो आप बताइए, लोग गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं? मैं बिल्कुल फिर भी नहीं कहूँगा कि लोग गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं, और जो आपने बात कही, मैं उसकी भी, मैं, मेरे पास उसका भी जवाब है कि अगर मैंने वो किया है तो मैंने कहीं पर भी उसमें काट झाट नहीं करी है जी, कटिंग पेस्ट। लेकिन आपने उन्हें रोका भी नहीं वीडियो के बीच में? क्या आपका धर्म नहीं होता था कि आप उन्हें बोले कि बाबा जी थोड़ा शब्दों की मर्यादा रखें? देखिए, अब वो अघोरी साधु हैं, अब आप जानते हैं कि साधु बाबा लोग सब नशा करके बैठे रहते हैं, अब मैं उनको इस तरीके की बात, अब मैं उतना अपने को वो नहीं समझता कि मैं उनको बताऊं कि आप मर्यादा रखिए या गरिमा रखिए, अब वो उनको खुद पता होना चाहिए, वो जिस स्थान पर बैठे हैं, जो धूना इत्यादि जला के बैठे हैं या हवन इत्यादि के किनारे पे बैठे हैं, उनको खुद मालूम होना चाहिए उनकी मर्यादा, अब मैं उनको बताऊं ये मैं ठीक नहीं समझता। चलिए ठीक है, आप, अब अगला सवाल जो कि बहुत ज़्यादा बार पूछ लिया गया आपसे, शायद आप समझ गए होंगे कि गौतम खट्टर जी यूट्यूब से कितना पैसा बना लेते हैं, कितना कमा लेते हैं, बता दीजिए, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, और ये मेरे सारे दोस्त भी पूछते हैं, और पर यूट्यूब पर ये किसी ने नहीं पूछा। नहीं, आपने देखे नहीं होंगे, आपके कमेंट इतने आ रहे हैं, आपने शायद मिसिंग हो गया वो कहीं आपसे, हो सकता है हो गया, लेकिन बहुत लोग इस सवाल को पूछते हैं। लेकिन हमारे देश में एक बाउंड्री लाइन है, एक मर्यादा है जी, कि लड़कियों से उनकी उम्र और लड़कों से उनकी इनकम ना पूछी जाए तो अच्छा है, तो अब मैं इसको बता करके उस परंपरा को मैं... नहीं, लेकिन इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि आप अपनी इनकम बताओ। हाँ। और शायद उससे कोई मोटिवेट हो के इस फील्ड में चले और कामयाब हो जाए। नहीं, मोटिवेट कम लोग होंगे, डीमोटिवेट ज़्यादा होंगे। डीमोटिवेट ज़्यादा कैसे होंगे? मुझे जो नए यूट्यूबर होंगे जी, अब उन्हें ये तो पता, अब मैं बता दूंगा कि मेरी इतनी इनकम आ रही है, ठीक है, लेकिन उन लोगों को ये पता इस वीडियो के माध्यम से चलेगा कि इतनी इनकम आ रही, लेकिन उन्हें ये नहीं पता 2-3 साल लगातार इसके लिए मेहनत भी की गई, या इसी 4-5 महीने में कितनी मेहनत की गई है, उस एस्पेक्ट को नहीं लोग जानेंगे। और सपोज इनकम जान के वो इसको शुरू करते हैं, 1-2 महीने में नहीं हुआ, वो हताश हो जाएंगे कि वो तो इतना कमा रहा है, मेरा तो मोनेटाइज भी नहीं हो सकता। कोई हताश ना हो, वो लगा रहे आपके, जो अभी आपने बोला एक्सेप्शनल केस होगा, वो एक्सेप्शनल केस होगा। 100% रिजल्ट बताइए, आप कहाँ रहता है, आप मुझे बताइए। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, इनकम जो है वो मेन नहीं है, मेन जो एम्बिशन है वो इनकम नहीं है। अगर आप यूट्यूब में आ रहे हो, मेन एम्बिशन कंटेंट है, आप कंटेंट अच्छा रखेंगे, इनकम बाय प्रोडक्ट है। चलिए ठीक है, आप शायद अपनी इनकम नहीं बताना चाहते होंगे, फर्स्ट पेमेंट बता दीजिए आप। अरे अब ये सवाल मैं समझता हूँ कि अभी देना ठीक नहीं है। तो आप किसी गैजेट या कोई भी एक चीज़ जिस, जो कि उस प्राइस रेंज में आती होगी, जो भी आपकी फर्स्ट पेमेंट है, इनकम है, आप मुझसे निकलवाना चाह रहे हैं? चलिए ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, क्या करें भाई, आपके बहुत सारी ऑडियंस जाना चाह रही थी, ये ऑडियंस जाना चाहेगी, लेकिन अगली बार जब मैं आपके प्लेटफॉर्म पर आऊँगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। चलिए, अगली बार के लिए सवाल को रख लेते हैं फिलहाल। अच्छा, एक सवाल और है जो आपसे पूछा गया, ये भी एक तरह से आरोपी है। हाँ। कि गौतम खट्टर जी क्लिक बेट बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कि जो थंबनेल में है। हाँ। और जो टाइटल में है वो कुछ और है, ब्यूटी के अंदर जाके कुछ और है। मान लीजिए आपने, और कई सारे केसेस में ऐसा ही बताया आपके व्यूअर्स ने, जैसे कि आपने थंबनेल पे किसी एक साधु के मुँह पे एक स्टिकर लगाया जिसमें कुछ बोल रहा है, अंदर उसने वो बात बोली है लेकिन वो किसी और सेंस में बोली है, और आपने क्लिक बेट करते हुए किसी और सेंस में दिखा दिया है, तो आप इसको बताइए कि आप क्लिक बेट जो ये है, इसे आप क्या कहेंगे इस पर? आप बहुत क्लिक बेट करते हो? नहीं, ऐसा नहीं है, यूट्यूब में बहुत सारे लोग, अब मैं जानता भी नहीं ये क्लिक बेट क्या होता है जी, मैं बता रहा हूँ क्लिक बेट मतलब कि आप टाइटल में कुछ और है, अंदर कुछ और है। ऐसा नहीं है, 80-90% वो मिलता जुलता होगा, 10% होता है वो सारे। आप किसी व्यक्तिगत YouTube चैनल को देखिए या किसी भी ऑर्गेनाइज्ड YouTube चैनल को देखिए, सब जगह इतना 10% चलता। तो क्या लगता है आपको, क्लिक बेट सही है, चलना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जो दिखेगा वही बिकेगा। अच्छा, तो मतलब आप
जनता को गुमराह करेंगे अपनी मार्केटिंग करने के लिए। देखो ये आप आरोप गलत लगा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ क्लिक बेट अगर गुमराह करने वाली रही बात तो गुमराह हम एक बार कर सकते हैं, दो बार कर सकते हैं। मेरी बीसियों से ज्यादा वीडियो पे मिलियन से ज्यादा व्यूज है, 9-9 मिलियन, 4 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन। तो एक बार आदमी बेवकूफ बनता है, दोबारा नहीं बनता। अगर बेवकूफ बन रहे होते तो इतना ना देखते, तो ऐसा नहीं है ये बहुत से लोग कहते हैं। चलिए अभी एक सवाल, ये मतलब एक तरह से आपके कमेंट पूछा नहीं गया, ये मेरी तरफ से है कि आपकी आते जितनी भी वीडियोस में जितने भी कमेंट आए उनमें से सबसे बढ़िया सबसे खराब कमेंट जो आपको लगा होगा, कुछ वैसे जो कि पब्लिक की तरह से आपको बहुत प्यार मिला होगा, कुछ भी ऐसा अनुभव या कोई बहुत गंदा कमेंट जो आपको लगा होगा, क्या है ये देखा? देखो अब इतना तो याद नहीं रहता, लेकिन एक कमेंट मुझे ज़रूर याद है। एक कमेंट आया था कि ऐसे यूट्यूब चैनलों के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, हमारा काम ही यही है, और अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन जब खुल जाएगा तो हम तुम्हारी FIR दर्ज कराएंगे और तुम्हारा ये चैनल बंद करवाएंगे। जी ये कमेंट मुझे याद रहा है, और प्रेरित करने वाले भी बहुत से कमेंट आते हैं। उस नेगेटिव चीज़ें दिल में बसे ना बसे दिमाग में बस जाती है और पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, तो आदमी उतना फोकस नहीं कर पाता, ही होने लगती है। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ कोई ना कोई ज़रूर हर फील्ड में ऐसी होगी जो आपके दिमाग में बसेगी। बुरा आदमी हमेशा दिमाग में बसता है, जगह बना लेता, तो ऐसे कमेंट आते रहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा गौर करना नहीं चाहिए जब आपको लंबा जाना हो। चलिए ठीक है गौतम खट्टर जी, ये कमेंट सेशन हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे, और अभी हम एक रैपिड फायर सेशन खेलेंगे, तैयार है आप? इसमें क्या होगा कि कुछ मैं आपको तीन चार ऑप्शन दूंगा, आपको उनमें सिर्फ एक चूज करना है, कोई रीजन नहीं देना है, एक्सप्लेनेशन नहीं देना जब तक कि मैं ना बोलूँ, ठीक है? और कुछ भी यस या नो में बोलना होगा, कुछ चूज करना होगा, ठीक है ना? समझ गए होंगे आप? ठीक है, बड़ा टफ है ये वैसे। तो पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर भविष्य में आपको यूट्यूबर जॉब में से कुछ एक चुनना होगा, जबकि आपके पास एक अच्छी डिसेंट जॉब आपको ऑफर हो रही है अच्छी सैलरी पैकेज के साथ, तो आप क्या चूज़ करोगे, यूट्यूब और जॉब? अच्छी डिसेंट जॉब है अच्छी सैलरी पैकेज के साथ, जॉब पे जाएंगे? जॉब पे जाओगे तो यूट्यूब आप छोड़ देंगे? छोड़ेंगे नहीं, वो चलता रहेगा, लेकिन जॉब के लिए जाओगे? जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, सर कुछ यूट्यूबर्स के मैं यहाँ पे नाम लूँगा जो कि मतलब उनका कुछ कंटेंट आपसे मिलता जुलता है, आपको उनमें से फेवरेट बताना है, ठीक है? पहले हमारे साथ हिमांशु भट्ट, इन्होंने भी कुंभ में काफ़ी अच्छी अप कवरिंग की और अच्छी ग्रोथ इन्होंने पाई है। दूसरा हमारे साथ जनता की आवाज़ से कन्हैया जी है, तीसरे हमारे साथ खबर दुनिया से आदर्श मिश्रा जी है, और चौथे है ब्रजभूषण मारकंडे। ये बहुत टफ सवाल है, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा, ऑन कैमरा है आप। अब आप मेरी लड़ाई करवाओगे? किसी एक को आपको चुनना ही नहीं, ये सब मेरे दोस्त हैं, अब आप मेरी लड़ाई करवाओगे? नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा, आप जनता जानना चाहिए कि आपके फेवरेट में से कौन है। कोई बात नहीं, इसके बाद हम आपको एक और मौका देंगे जिसमें कि आप कवर कर सकते हैं इन चीज़ों को। अब इसका सवाल का बड़ा टफ है ये, क्योंकि बहुत अच्छे चारों ही बहुत अच्छे हैं। नहीं, आपको एक चुनना है, किसी एक को चुनना है। सवाल ये था कि आपको इनमें से किसी एक को चुनना है, नाम मैं दोबारा बताऊँ? मैं आदर्श मिश्रा। आदर्श मिश्रा जी के साथ आप जाना चाहेंगे? चलिए ठीक है, खबर दुनिया से ये है। अच्छा, अब आप इन चारों के बारे में एक एक करके मैं नाम लूँगा चारों का, इनके बारे में एक लाइन में आपको कुछ बताना है, कुछ अच्छाई हो सकती है, कुछ बुराई हो सकती है, कुछ फीडबैक हो सकता है, जो भी आपको लगता है, ठीक है ना? सबसे पहले खबर दुनिया के जो आदर्श मिश्रा जी, उनके बारे में बताइए। बड़े अच्छे इंसान हैं और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। चलिए ठीक है, दूसरा हिमांशु भट्ट के बारे में बताइए। हिमांशु भट्ट जी हरिद्वार से ही और मेरे सीनियर हैं। चलिए, बात होती है इनसे? हाँ बात होती है। जनता की आवाज़ से कन्हैया जी को जानते हैं? एक बार मुलाकात हुई है, ज़्यादा नहीं जानता। चलिए ठीक, अब एक और है ब्रजभूषण मारकंडे जी, बड़ा अच्छा काम करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हाँ, इनसे भी मेरी बात हुई है, इनका फ़ोन आया था और इन्होंने बड़ी शुभकामनाएं दी थी। बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए, मतलब ऊपर के लेकिन ग्राउंड से जुड़े हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आपको जो भी बाबा आपके यूट्यूब पर जिनका आपने इंटरव्यू किया है सबके मैं नाम लूँगा, आपको उनमें से सबसे पसंदीदा जो आपका बाबा है, जिससे आपको खास का अटैचमेंट रहा है, कुछ ना कुछ अच्छी जिसके साथ सबसे अच्छी फीलिंग्स आपको आई होंगी, उनको आपको चुनना है, ठीक है? सबसे पहले है बहन बाबा जी, इन्होंने आपको बहुत वायरल किया था, बहुत ज़्यादा, ठीक है? दूसरे अघोरी बाबा जी, दो अघोरी थे, दोनों में से आप किसी को भी चुन सकते हो, और दोनों ने आपको अच्छे खासे व्यूअर्स सब्सक्राइबर पैसा अच्छा खासा दिया। तीसरे बिल्कुल ठीक है, तीसरे है वन मानस बाबा जी थे, ठीक है? चौथे 8 साल का नागा, जो कि आपके YouTube चैनल की सबसे मोस्ट व्यूज वीडियो है, ज़्यादा व्यूज इसी वीडियो पे है, 8 साल का नागा घर से भागा। चौथे है हमारे पास टार्जन बाबा जी, जिनके पास की 50 साल पुराने तक टार्जन कार है, और एक
लेटेस्ट की जिसके भी आपने बात की, वो क्रिस्टीना एक छोटी बच्ची है, तो इन में से आपका फेवरेट बाबा साधु सन्यासी कौन था? फेवरेट जो आपको सबसे अच्छा लगा हो? हाँ भाई, मतलब जिनसे मिलकर आपको अच्छा लगा होगा। क्रिस्टीना। क्रिस्टीना क्यों अच्छी लगी आपको? क्रिस्टीना इसलिए अच्छी लगी, वैसे अच्छे मुझे सबसे ज़्यादा बहन बाबा हैं, लेकिन क्रिस्टीना इसलिए क्योंकि क्रिस्टीना की उम्र कम है जी। लेकिन दिमाग और उसकी जो लगन है, उसकी जो डिटर्मिनेशन है, उसका जो डिवोशन है इंडियन कल्चर के प्रति, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इतनी सी उम्र में वो इतना बेस्ट कर रही है कि आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, तो इसलिए मुझे वो एक नंबर। फिर बहन बाबा हैं, फिर तो सब है। चलिए ठीक है। अच्छा, अब आपको जो सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, उनके बारे में कोई एक ऐसी बात बतानी है जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, जो जो सन्यासी लोग होते हैं उनके बारे में कोई भी एक आदत, कोई एक बात जो बिल्कुल आपको पसंद ना हो, और उस कारण आप कह सकते हो कि हाँ भाई सन्यासी जीवन बेकार है, कोई एक ऐसी बात आपको बतानी है, और उसके बाद आपको एक ऐसी बात बतानी है जो आपको सन्यासी के अंदर अच्छी लगती होगी। सन्यासी के अंदर अच्छी लगती होगी, एक बुरी और एक अच्छी बात बतानी है। अब देखो, सन्यासी आप बोल रहे हैं लेकिन सन्यासियों की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कोई नागा सन्यासी, कॉमन सी कोई बात अगर हो, कॉमन सी अगर बात करें तो जो आजकल नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा फैल रही है, खास करके सब साधु देखो एक जैसे नहीं होते, और हर व्यक्ति, हर जो वर्ग है वो कभी भी एक जैसा नहीं होता, पांच उंगलियां कभी एक बराबर नहीं होती, लेकिन हाँ ज़्यादातर होता होगा उसकी बात। हाँ, नशा जो है वो एक बड़ा मेरे को लगता है, अच्छा नहीं लगता। और अच्छी बात? अच्छी बात है तो फिर हमारे साधुओं में बहुत हैं, धर्म का प्रचार करते हैं बहुत बड़े स्तर पर, और उनका अभाव में रह करके कैसे कार्य करना है जी, वो मेन साधु का जो है वो सबसे बेहतरीन और बेस्ट एलिमेंट है। चलिए बढ़िया। ये आखिरी सवाल होगा, कोई ऐसा कंटेंट जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो, कुछ ऐसा कंटेंट जो आप भविष्य में आगे करना चाहते हो इससे हटके, साधुओं से हटके? देखो दीपक भाई, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो अभी तक सिस्टम चला है हमारे विशेषकर चैनल का, ये कोई प्लान्ड नहीं था, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, ये सब अनप्लान्ड था, होता गया, मतलब अनस्क्रिप्टेड था। तो ना इसके बारे में कभी सोचा था, ना आगे क्या करना है वो अभी सोचा, जब होगा तब देखा। नहीं, मतलब कुछ एक चीज़ तो होती ना आदमी के, जो हॉबीज एक तरह से हॉबीज कह लेते हैं। चलिए, आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज मेरी, मैं पढ़ता हूँ किताबें वगैरह और बोलने का। किस टाइप की किताबें पसंद है आपको? किताबें सामाजिकता से जुड़ी हुई और सोशल उससे जुड़ी हुई। और आपको बोलना भी पसंद है? उपन्यास टाइप और बोलना भी मुझे पसंद है। तो कुछ ऐसी चीज है जो आप चाहते हो कि हाँ मैं भविष्य में इस प्रकार का कंटेंट करूँ, कुछ तो मतलब होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मतलब मन में विचार आता है कि जैसे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनका भी इंटरव्यू किया जाए, उनसे भी बातचीत की जाए। सोशल जो इश्यूज़ हैं, छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं उनको कवर किया। मैं ये चाहता हूँ कि जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो सामाजिकता के मुद्दे हैं जिनको अब मेन स्ट्रीम मीडिया भुला चुका है जी, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जैसे आप कवर करते हैं, उस तरीके के मुद्दे पे मेरी इच्छा है, कभी बनेगा आगे आप मुझे दीजिए अपने उसमें काम। तो आपका स्वागत है, आप अभी ज्वाइन कर लीजिए हमें, ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि आप हमें ज्वाइन करेंगे। चलिए गौतम जी, अब देखिए गौतम जी, ये मेरा एक सवाल अभी मेरे मन में आ रहा है, जब मैं आपको कैमरे के आगे देखता हूँ तो आप, मतलब आपको देख के ऐसा लगता है कि एकदम बिल्कुल सीरियस मैन जो होता है ना, मतलब अगर जो आजकल के लौंडे जो भाषा यूज़ करते हैं, सख्त लौंडा, एकदम बिल्कुल वह स्ट्रिक्ट टाइप के पर्सनैलिटी आप कैमरे के आगे लगते हो, आप मुझे ये बताइए कि जो कैमरे के पीछे की जो आपकी ज़िंदगी है, जो अपने दोस्तों के साथ है, जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो वहाँ भी आप ऐसे बिल्कुल सख्त रहते हो, हंसी मजाक थोड़ा चलता रहता है? चलता है, अभी भी मैं आपके साथ हंसी मजाक कर रहा हूँ। तो मतलब जो कैमरे के आगे जो आपको बिल्कुल सख्त वाला, वो देखो आपको किसी भी प्रोफाइल में जाना है, ज़रूरी नहीं है यूट्यूब की प्रोफाइल हो, आप अगर डॉक्टर हैं या आप इंजीनियर हैं या आप एक टीचर हैं, तो आप जो घर में हैं वही चीज़ अगर आप बच्चों के सामने क्लासरूम में करेंगे तो फिर बच्चे आपसे डरेंगे नहीं, आपको उन पे अपना होल्ड बना के रखना है ना स्टूडेंट्स पे। जी जी। तो आप डॉक्टर हैं, आप ऑपरेशन थिएटर में वो हंसी मजाक नहीं करेंगे, तो जिस भी जॉब प्रोफाइल में आप हैं उसमें आपको एक बिल्कुल होना पड़ेगा। चलो, ऐसा होना भी चाहिए। और आप मुझे गौतम जी, अब ये बताइए कि जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब का कि हर कोई यूट्यूब पे आना चाहता है, कुछ टाइम पहले से बीटेक का था, हर बच्चा बीटेक कर रहा था, लेकिन अभी ये चीज़ जो है यूट्यूब में आ गई है, तो जो बिलियंस ऑफ यूथ जो यूट्यूब ज्वाइन करना चाहते हैं और आपने एक अच्छी खासी मुकाम यहाँ पे हासिल कर दिया है, तो कुछ आप उन्हें कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाहिए तो बताइए। देखो, कोई भी दुनिया में ऐसी दवाई नहीं है जिसको पी करके एकदम
आदमी अमर हो जाए जी। ठीक है, और किसी भी फील्ड में नहीं हो सकता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको MBBS करना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है BTech MTech से होकर के गुजरना पड़ेगा। हर चीज़ का एक क्राइटेरिया है। अगर आपको YouTube में भी आना है तो जो लोग ये पहले टारगेट बना के आ रहे हैं कि मुझे पैसा कमाना है, वो तो बिल्कुल साइड हो जाए, वो ना आए। क्योंकि मेन जो फोकस है वो कहीं पर भी मनी जब हो जाता है तब आप उसको अचीव नहीं कर सकते। मनी हर फील्ड में बाय प्रोडक्ट है, वो साथ साथ आएगी। ठीक है, मेन चीज़ अगर YouTube में आ रहे हैं तो कंटेंट आप सोचिए कि क्या बना सकते हैं। वो थीम, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कल फर्स्ट पे थे और आज अर्श पर हैं। आप टेक्निकल फील्ड की बात करेंगे तो टेक्निकल गुरुजी हैं और मनोज सारू हैं और मनोज डे हैं, इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं। जर्नलिज्म की बात करेंगे, आपने खुद अभी बृजभूषण दुबे का नाम लिया, वो भी ज़मीन से उठे हुए हैं। मतलब उनकी भी मतलब स्थिति जो थी आर्थिक बहुत अच्छी नहीं थी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन मेन फोकस आप जिस थीम पे आ रहे हैं उस पे कंटेंट अच्छा होना चाहिए। हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी भाषा पे पकड़ होनी चाहिए, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश पे पकड़ होनी अच्छा, चाहिए। भाषा को कितनी इंपॉर्टेंस आप भाषा को देते हैं? आपको यूट्यूब पे आ रहा है तो जो भाषा बैरियर होते हैं ना, इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब भाषा की अगर मतलब बहुत सारे, अगर मैं जर्नलिज्म की बात करूँ, जर्नलिज्म की आपने बोला कि आप MA जर्नलिज्म कर रहे हो, तो अगर कोई जर्नलिज्म करना चाहे तो क्या उसे इंग्लिश आना या ज़्यादा भाषा आना जरूरी है? नहीं, क्या मानते हो आप? भाषा अब बाउंड, मतलब भाषा अब आपने क्या बोला, बंदिश एक बैरियर था। बैरियर भाषा बैरियर अब नहीं है भाई, अब भाषा आपके लिए फील्ड खोल रही है। उसका कारण मैं बताता हूँ। आप उत्तराखंड में हो, आप पहाड़ से हो, आप गढ़वाली हो, गढ़वाली भाषा बोलते हो। अब क्या है, लोग दोबारा अपनी, क्योंकि दूर हो गए हैं पहाड़ से, अपनी ज़मीन से दूर हो गए हैं, अब अगर जैसे ही उसको एक जर्नलिस्ट आ रहा है वो पहाड़ की बात कर रहा है और पहाड़ी भाषा में कर रहा है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो एक यूनिक चीज़ ला रहा है और उसकी ऑडियंस ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हिंदी में बहुत सारे लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप पहाड़ी में करेंगे आपकी टारगेट ऑडियंस आपको पूरा पहाड़ सुनेगा। आप अगर पंजाब से हैं और पंजाबी में अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आप एक नई ऑडियंस क्रिएट करने चले जा रहे हैं। आप कुमाऊं से हैं, कुमाऊनी में करेंगे पूरा कुमाऊं आपका है, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है। अब भाषा बैरियर नहीं रह गया, अब आप सोचें एक अपॉर्चुनिटी है क्यों? क्योंकि हिंदी में 20 पहले ही कर रहे हैं बिल्कुल, या इंग्लिश में 50 पहले ही रिपोर्टर्स हैं। आप यूनिक दीजिए, गढ़वाली में कीजिए। ऐसी एक देसी पत्रकार कर्मू करके हैं, वो हरियाणवी भाषा में करता है और आज वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हरियाणा में। तो क्या है, उसने एक 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 नई चीज़ निकाली, उसने एक नया रास्ता निकाला और वो नया रास्ता आपके सामने आज उसको पूरा हरियाणा देखता है। तो भाषा बैरियर अब नहीं रह गई है, भाषा अब नई नई फील्ड में रास्ते खोल रही है। गौतम खट्टर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम उम्मीद करेंगे कि आपके जल्दी से 5,00,000-1,000,000 हो जाए सब्सक्राइबर और हम फिर मिले और तब तक आपके भी हो जाएंगे। थैंक यू सपोर्ट करते रहे एंड थैंक यू सो मच गौतम। धन्यवाद। थैंक यू।